दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भाई भले ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सदी के पहले नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भाई बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली डार्लिंग प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला है। और भाई इस कलेक्शन की गूंज इस वक्त भैया बॉलीवुड की गलियारों में बहुत ही तेज़ी से गूंज रही है। लेकिन भाई ये गूंज जो है वो ऑडियंस के सामने क्यों नहीं आ पा रही है, क्यों नहीं? तो भैया इसका कारण अगर आप लोग जानना चाहते हो तो भाई ये सवाल आप जाकर उन ऑडियंस से पूछो जो कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखकर बाहर निकल रहे हैं। और ये बात वो कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई इस फिल्म ने तो ठग लिया रामायण के नाम पर। यानी कि भाई अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया आदि पुरुष को पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो शानदार कलेक्शन मिला है वो कलेक्शन केवल और केवल प्रभु श्री राम के नाम पर मिला है, तो भाई ये बात इस फिल्म के लिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और भाई इसी वजह से ये कलेक्शन रिपोर्ट बताते हुए मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। अगर इस फिल्म ने वाकई में रामायण का चित्रण सही तरीके से किया रहता तो भाई इस कलेक्शन को बताते हुए मैं भी बहुत ही कूद कूद कर अपनी खुशी को आप लोग के सामने जग जाहिर करता। लेकिन भाई अपना जॉब है भैया फिल्मों के बारे में आपको जानकारी देना, फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बताना, तो भैया वो काम तो मुझे करना पड़ेगा। और भाई वही काम मैं अब आप लोग के सामने करने वाला हूँ कि भैया इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड पहले दिन कितने का कलेक्शन मिला है। ये रिपोर्ट इस फिल्म के मेकरों के द्वारा हम लोग के सामने आ चुका है। तो भाई उस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं आपको साउथ की उन टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन किया था मेरे भाई। तो भैया इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पुष्पाराज यानी कि भाई अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म पुष्पा, जिसको पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 63 करोड़ का। उसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है प्रभास की फ्लॉप फिल्म राधे श्याम, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 67 करोड़ का। उसके बाद 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सराय लेरू निक्के वेरेलू। तो भैया इस फिल्म ने जो भैया पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 67 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सरकारू वारी पाटा, जिसने भैया पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 70 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 1, जिसने वर्ल्ड वाइड पहले दिन जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 73 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो नाम है भैया शेरा का, जिसने भैया पहले दिन जो कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड वो आंकड़ा था 85 करोड़ का। उसके बाद भैया 4ठे नंबर पर जो फिल्म है साहू, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 126 करोड़ का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है आदि पुरुष, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 140 करोड़ का। देन इसके बाद भैया इस फिल्म से दो फिल्में आगे हैं वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 215 करोड़ का। और भाई नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है ट्रिपल आर, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 235 करोड़ का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की, तो भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है वाल्टर विरैया, जिसने भैया पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 49 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद भाई इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो फिल्म है वो नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी का, जिसने भैया पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 50 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पोन्नियन सेल्वन का पार्ट 2, जिसने भैया पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 59 करोड़ 12 लाख रुपीज़ का। और भाई इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 105 करोड़। और भाई नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है आदि पुरुष, जिसने भैया इस साल के लिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया पहले ही दिन आदि पुरुष को वर्ल्ड वाइड भी और उसके साथ भैया इंडिया से भी बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला है। लेकिन भाई इस कलेक्शन को बताते हुए पता नहीं क्यों दिल खुश नहीं हो पा रहा है इस बात को लेकर कि भाई इस फिल्म से जो उम्मीदें हम सभी को थी, भाई ये फिल्म उन उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ी नहीं उतरी है। यानी कि भाई ये फिल्म ये जो चमत्कारी बिजनेस कर पा रही है ना, इसके पीछे क्या फर्क है भैया, इस फिल्म के ऊपर प्रभु श्री राम का
हाथ है, जिसकी वजह से ये फिल्म इतना शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब हो रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।